आरोप लगाकर भाग जाने की सियासत अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, अब वही काम कांग्रेस करने लगी तो फंस गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना किसी तथ्य के सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को जीएसटी पेमेंट देरी से देने का आरोप लगा दिया। बस फिर क्या था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़ गईं, दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। खड़गे ने कहा कि बहुत से राज्यों को कमजोर किया जा रहा है, उन्हें जीएसटी का पेमेंट जल्दी नहीं दिया जा रहा, न ही उन्हें मनरेगा की राशि समय से पहुंचती है। राज्यों के अलग अलग विभागों को ग्रांट भी समय से नहीं मिलता। उन्होंने सवाल किया कि इसके पीछे आखिर सरकार की नीयत क्या है, क्या वो कुछ राज्यों को कमजोर तो नहीं करना चाहती। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, जहां जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें थीं, उन्हें गिराने का काम भी उसी ने किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को टोक कर विषय से भटकने की बात कही। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खड़गे के आरोपों का जवाब देने को कहा। सीतारमण ने बेहद तलखी से खड़गे के आरोपों को खारिज किया। नई संसद की राज्यसभा में खड़गे और सीतारमण उस वक्त भिड़ गए जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने इशारों ही इशारों में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। वे बोले, उन्हें जीएसटी का पेमेंट वक्त से नहीं मिलता है, मनरेगा की भी रकम समय से नहीं दी जाती। राज्यों के विभागों को मिलने वाले ग्रांट के साथ भी ऐसा ही है, इनका पेमेंट समय से नहीं होता। निर्मला सीतारमण ने तमतमाकर खड़गे के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि खड़गे का बयान तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी समय से नहीं मिलता, ये कहना एकदम गलत है। सीतारमण बोले कि केंद्र ने खुद उधार लेकर राज्यों को भुगतान किया, यहाँ तक हर बार इसे एक दो महीने एडवांस में किया गया, किसी भी राज्य का कोई भी पैसा बकाया नहीं है, जीएसटी के मामले में किसी भी पेमेंट में विलम्ब नहीं किया गया। सीतारमण ने सभापति को पूरा डेटा उपलब्ध कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।